मामला विकासखंड सुल्तानगंज क्षेत्र के ग्राम सहारा से जुड़ा है। यहां के निवासी दलित विधवा रामकली पति स्वर्गीय राम नरेश शनिवार की दोपहर कलेक्ट्रेट पहुंची। दलित महिला ने जिलाधिकारी को दी गई शिकायती पत्र में क्षेत्रीय लेखपाल पर पट्टा देने के नाम पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। विधवा महिला का कहना है कि लेखपाल शिव कुमार ने उससे 1,00,000 रुपए की मांग की थी। एक दिन पूर्व भी लेखपाल को उसने 50,000 रुपए दिए थे। 50,000 रुपए लेने के बाद लेखपाल भड़क गया और पूरे पैसे की मांग करने लगा। विधवा का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल ने उसके साथ जाति सूचक गाली गलौज की। विरोध करने पर लेखपाल ने मुझे लात घूसा से मारा पीटा। विधवा का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल दबंग किस्म का है और वह कई वर्षों से इसी क्षेत्र में जमा हुआ है। पीड़िता ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में 50,000 रुपए वापस कराए जाने और क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। जब मीडिया कर्मियों ने लेखपाल से वार्ता करनी चाहिए तो कैमरा देखते ही लेखपाल रफू चक्कर होते दिखाई दिए। कैसे आए थे डीएम साहब के यहाँ? डीएम साहब के यहाँ जैसा साहब बोलते मेरी जगह है जमीन खेत है तो जिस सुशील को और राजेश को प्रधान जी और नेकपाल जी देवचांद का और नेकपाल साहब ने हम पे मांगे 1,00,000 रुपया। कितने पैसे ले लिया आपसे? ना हमने 1,00,000 रुपया हमें पे भेजना है तो कोई 50,000 लेते आओ ना तो तुम्हें थोड़ी मिल पाई है ना तो हम प्रसाद बांटे हैं नेकपाल साहब ने जा गई तो हम 50,000 रुपया ले कर कल गए। जैसे कल लेके गए तैसे ही जेब अपने इनको पुराने स्कूल है इनको नेकपाल साहब कहाँ लिवा लेगी। क्या नाम है नेकपाल साहब? शिव कुमार। हाँ साहब जी इन्हें रुपया जब गए देने तो हमारी लड़का की गर्दन पकड़ ली तो हमने कही साहब ऐसा मत करो 1,00,000 रुपया ना है तो हम साहब कल बना के कौन चले परों बना के लें तो बोली चल चल जाती चमरिया आज तो 8 दिन 4 दिनों भाई जाता कत्त वायदा तुम रुपया नहीं कर पाई हैं चल भाग ना डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब के यहाँ साहब लड़का एक जना बैठे साहब मैं जाना यहाँ थे डीएम साहब नौ लड़का बैठे थे जाकर ही हमारा कागज ले लो हम जैसे सब बताया तो फिर जाकर ही हमने फोन कर दो तुम वहाँ पहुँचो तहसील पहुँचा जाना। हाँ वहाँ तो भाई बात है जैसे जाकर डीएम साहब।